रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरी दुनिया खेल रही है, ये कंगना एक रियलिटी शो कर रही है। लोग पांच उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं। वैसे गला तो छह उंगली वालों का भी सूख रहा है, लेकिन हाथ जोड़ना अभी बाकी है। ये कोई पापा का या भैया का घर नहीं है, ये है मेरी बैडएस जेल और जहाँ होगा अत्याचारी खेल। Should we start? पूनम तुम तो पूरा मतलब गुंडा, पूनम भाई तुम्हारा नाम रखना चाहिए, तुम तो पूरा गुंडा बन के घूमती हो। और अंजलि तुम तो मतलब वही दादा बन के घूमती हो, जैसे मुंबई की दादा हो तुम। मुनव्वर आपको देख के मुझे उसकी याद आती है जो टीवी शो में वैम्प होती है ना, जो सामने कहती है हाँ जी मां जी और पीछे से दूध में जहर मिला के आती है। पूनम आपने जो अपना एक्ट किया बहुत हॉट था, आपको ऐसा कुछ स्कूल भी चलाना चाहिए, हम लोग भी उसमें एडमिशन ले लेंगे, हमको भी कोचिंग दो। मुनव्वर तुमने क्या पकड़ लिया है, दिल या कुछ और? हाथ को ऐसा आराम मिला ऐसे लटके ना। अच्छा एंकर, अच्छा लटक जाते नहीं तुम। आपने मेरे दिल पे वार किया है लेकिन मैं आप पे वार करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रिंस नरूला ने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं लेकिन ये वाला मैं आपको जीतने नहीं दूंगी प्रिंस नरूला। अरे थोड़ा सा ऊपर मार दो। We planned a pregnancy. When it happened, he completely backed off. I think women in general, for their maternal instincts, get taken on for a ride, and all kind of losers. They find shelter in that instinct. But you're very brave. तेरी मॉम ने एसिड पी लिया, तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है। Nothing can fulfill a parent's loss, और खासकर मदर का जो लॉस है, I will not tell you कि हाँ you know it's okay and this and that, it is not okay. And aapko unhone jo upbringing di hai and the kind of a man you want to be, it is amazing. Ye chai chahiye yaar, kal bhi nahi di thi yaar, shampoo nahi de rahe, conditioner nahi de rahe, log kya di thi kabhi, insaan tha hamari mange puri bano. Ye jo aap logo ka attitude bana hua hai na ki jaise ehsaan jataya ja raha hai, sabse pehle to apna attitude change karo. Please remember के बाहर 35 खड़े हुए हैं, तुम सबको इस शो में रहना है तो सबके सब नौटंकी क्यों कर रहे थे रात को, यही तो मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस। नौटंकी मत करो, खास तो मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। डोंट बी गुड, बी बैड एस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखे कितने धमाके, कितनी धूम मचाई हम लोगों ने लॉकअप सीजन वन में, बहुत सारे आंसू बहाए, बहुत हंसे और बहुत लड़ाइयाँ की और बहुत गुस्सा भी। और हमने देखा कि कुछ लव स्टोरीज सिर्फ बफर होते होते रह गई, पूरी लोड ही नहीं हो पाई। मुनव्वर अंजलि, मुनव्वर साइशा, शिवम सारा और प्रिंस आजमा। साइशा मुन्ना मुन्ना करते रह गई, अंजलि म्यूट पे ही इजहार करती रह गई और कुछ लव स्टोरीज वन साइडेड होके ही निकल गई। मगर इन अधूरी लव स्टोरीज के सिवाय एक कंप्लीट लव स्टोरी है जो हर जगह फेमस है। आज तक आपने हमारे जेलर को सिर्फ सुना है, मगर आज देखिए कि वो किसकी सुनते हैं। प्लीज वेलकम जेलर करण कुंद्रा एंड वार्डन तेजस्वी प्रकाश। Hello. You guys look lovely together. So do you. Thank you. And I hope you guys hashtag stay arrested with each other forever. Ab to rehna hi padega. Hashtag inshallah. But no, really, I have watched the show and I'm totally in love with the show. तो हमारे शो में जब ये कैदी आए थे
तो इनके ऊपर आरोप लगे थे। आज मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएं। देखिए ये 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 एक बैड एस शो है करण। और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा, मुझे पता है घर पे जाके तुम्हारी पिटाई होगी exactly. लेकिन यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बैड एस होना पड़ेगा। Yes. अच्छा मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो खत्म हो जाएगा, इसकी लिस्ट चलती रहेगी, अगला हाँ. सीजन शुरू हो जाएगा, ये मेरी बुराइयां करती रहेगी, आरोप डालती रहेगी मेरे ऊपर। I'm a pro. I'm a pro. चलो तेजस्वी लगाओ आरोप। Oh, just like that? हाँ हाँ, badass show. Oh. मेरे साथ रहना प्लीज, तुम लोगों के साथ 10 हफ्ते रहा हूँ मैं। Okay, yes, I have one, I have one. इनकी इनकी पोल खोली है, प्यार प्यार की बातें तो आप हर शो में करते हैं, है ना? प्यार में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है और एक दूसरा का साथ कितना प्यारा है, लेकिन आज ये बताइए कि कैसे इन पे आप अगर आरोप लगाएंगी तो क्या होगा? इनकी पोल पट्टी अगर यहाँ पे खोलनी हो तो आप ही खोल सकती हैं। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज, चलो सनी, करण अगर किसी चीज को मुझसे ज्यादा पसंद करता है तो वो है उसका फोन। ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज फोन, ही इज ऑलवेज ऑन हिज फोन, एंड वो जब भी कुछ भी काम करता है, लाइक वट एवर ही इज शॉर्ट फॉर और वट एवर, अगर कुछ नया आया है तो ही इज ऑब्सेस्ड कि मैंने ठीक किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, उसने टैग किया, इसने ये किया, ऐसे ऐसे, तो ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज फोन एंड आई हेट दैट, क्योंकि मैं अपना सारा काम करती हूँ, फिर जब भी इसके इसके साथ रहती हूँ तो मैं आई एम नेवर ऑन माई फोन। आई नेवर, गर्ल्स कैन कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट ईजिली, और ये हर मिलेनियल की प्रॉब्लम है करण, जिसके तुम विक्टिम हो। अब आप एक आरोप इन पे लगाइए। इन पे आरोप? हाँ जी। मेरी इतनी हैसियत कि मैं वार्डन साहब, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मतलब हाँ हाँ, यही मौका है, इसके बाद मौका मिलने नहीं वाला ना। नहीं मैं क्वीन, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ कि उन्होंने भाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं फोन पे होता हूँ, लेकिन मैं फोन पे भी इसी को देख रहा होता हूँ, क्योंकि आप आज कोई लाए। सुनो ऐसा है कि व्हाट्स ऑल दिस चेयरिंग फॉर, दे ऑल लव हिम, आई हैव एक्सप्लेनेशन। देखो कोई भी सोशल मीडिया का आप ऐप खोल लो, यही दिख रही है, ठीक है? तो मैं अपने आप, मैं आपको एडमायर कर रहा होता हूँ तेजस्वी। अब मेरी बारी है, आपकी मेरी तरफ से आपके ऊपर एक आरोप है। आरोप ये है कि मेरे पास कोई आरोप है नहीं एक्चुअली। हाँ बहुत सेफ खेल रहे हो, बहुत सेफ खेल रहे हो। अभी आप अकेले बैठे हो, टीजे बैठी होती ना साथ में, मैं फिर पूछता करण फिर आपसे। नहीं एक्चुअली क्वीन, मेरे पास पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। आई हैव रियलाइज्ड कि आप रिलेशनशिप में या तो कंप्लेन कर सकते हो या एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो, एंड यू नो दिस इज नॉट फेयर। सो I think I should now, I've reached a stage where I overlook everything. And वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपको खुश रहना है, देखो अगर खुश रहना है, अगर खुश रहना है तो पहले ही सॉरी बोल दो, तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। करण डेफिनेटली आपने जो है वो एक हैप्पी रिलेशनशिप की रेमेडी जो है रोज खा लेते हो, रोज सुबह उठ के सॉरी बोल के, विच इज गुड तेजस्वी। और ये आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी कंप्लेन, अगर हर बात पे यही सॉरी बोलते हैं तो दैट इज, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू वर्क, यू नो एक बार आदत पड़ जाती है तो हम भी इम्यून हो जाएंगे। मैं ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा के लिए ये अब रूल बना लिया है। ओके ओके, मुझे फंसा दिया तुम लोगों ने यार, मैं नहीं खेल रही। तो मैम आप जितनी अमेजिंग एक्ट्रेस है, आप उससे कई ज्यादा शानदार बैडएस होस्ट है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट, लॉकअप जैसे वन फॉर द क्वीन, एब्सोल्युटली। आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ आप जिस तरह से सबसे बात करते हैं उसमें झलक के आती है, वो है आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी। थैंक यू, एंड आई लव दैट अबाउट पीपल, जब उनकी आंखों में ऑनेस्टी दिखती है, एंड आई रियली appreciate that and I do love that about you, and I think you're very badass and I love Thank girls you. Like that. I love girls who are badass, so that's why I think you're the best, you're the best. Thank you Tejasvi. I absolutely agree with her, by the way, but and I like to add one line ki ye cheeze itni inspirational hai, sirf you know obviously jo puri duniya aapko dekhti hai aur hum log bhi जो कभी ना कभी यू नो आप जिस मुकाम पर हैं और जिस ऑनेस्टी पे से आप इस मुकाम पर हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम भी यही करना चाहते हैं। थैंक यू करण, थैंक यू, एंड ऑल्सो आई लाइक टू थैंक द मेकर्स, क्योंकि आप सबने हमारे
करण को यहाँ पर जेलर बनाया बिकॉज आई हैव बीन इन लव विद करण एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम. पर जब से वो नाउ वी आल्सो लव करण. या नाउ वी आल्सो लव एवरीथिंग अबाउट करण. एवरीबॉडी लव्स करण. व्हेरेवर करण गोस एवरीबॉडी लव्स करण एंड आई एम द विलन एवरीवेयर. ये करण स्वीट है. बेबी आई एम सॉरी. बेबी आई एम सॉरी. तो बट एज अ जेलर आई कुड सी अ न्यू अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम. एंड कैदी कैदी सब जेलर को कितना पसंद करते थे और के पास कोई ऑप्शन नहीं थी. बहुत प्यार देते थे. एंड आई गॉट टू सी दिस साइड ऑफ हिम थ्रू द शो एंड आई ओनली एंड ओनली फॉलन हार्डर सिंस द डे आई सॉ यू इन द शो ऑल्सो. सो आई थिंक आप सबको मैं एक झलक दिखाना चाहूँगी मेरे सनी मेरे करण की इस शो की जर्नी की और शायद आपको भी ये सब देख के फिर से उससे प्यार हो जाए. जर्नी मतलब हाँ जर्नी लाइक आप जेल में थे तभी वैसा. जस्ट सी द वीडियो. देयर इज अ वीडियो. या देयर इज अ वीडियो. कैसे हैं आप सब. आलीशान शानदार. ये कंगना का जेल है और यहाँ का जेलर अनफॉर्चुनेटली अब मैं. यहाँ पर कुछ कानून है वो आप लोगों को फॉलो करने हैं. डोंट हैशटैग विद अस बिकॉज इफ यू डू वील हैशटैग विद यू. आज के अत्याचारी खेल का नाम है आग लगे बस्ती में और कैदी हमारे मस्ती में. खींच के बंटी बजा दे घंटी. Don't do that. No. It's not safe. Run and grab that one. Help, Aisha! Help, Aisha! Guys, do you want to listen to me or do you not want to listen to me? Everybody stands. Stand right now. And then... This is not something that I'm going to take. Sorry, sir. First, you make a mistake. Second, you try to stop them, which is not allowed. What the fuck is that, Ishan? Do you treat a woman like this? I'm sorry. ना तेरी टांगे तोड़ देता मैं. कैसा लग रहा है हमारा झोल घर? बहुत खूबसूरत. इस रूम में जो भी होगा वो यहाँ बैठे हुए कैदी के लिए ही होगा. अस्सलाम वालेकुम मेरा वीरा. तेरी बहन से बात करके ना मुझे अपनी बहन की याद आई. I'm giving you a chance. Apologize for all the shit that she's gone through and be your kid's hero dad again. तुझे गेम में आगे कैसे बढ़ना उसके बारे में सोचा? तो कंपटीशन आउट करेगा कि नहीं करेगा? I don't want to start. ये गलती है. रो मर्जी कर. Make the fucking choice. Good choice. Trust me. Good choice. अली दादी से बात करनी. दादी जी. वालेकुम सलाम दादी जी. करण बोल रहा हूँ मैं. मुनव्वर क्या हुआ? मेरी माँ कभी फोन नहीं करते. All good things come to an end. This journey thank is you, for sir. Life. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Queen. Wow. Thank you, what guys. What a commendable thank work. कई बार situation out of control हुई. कई बार जो है obviously जो हमारी इस काम में कभी भी कोई script नहीं थी क्योंकि हमारे जो कैदी थे इतने अनप्रिडिक्टेबल थे. कभी रोते थे कभी हंसते थे कभी हमारे सामने ही लड़ने लग जाते थे या तो कभी हमारे जेलर को जैसे रात के 1:30 बजे उठा के बुलाना पड़ता था. यहाँ पे जो है एकदम भूकंप आ गया है सब अब एक दूसरे को नहीं मेकर्स को मारना चाहते हैं. तो ये भाग के आते थे और एकदम स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस पे करण जो आपने रिएक्शन दिया और जितनी आपने उससे पता चलता है कि आप कितने सेंसिटिव इंसान हैं.
और आपका इमोशनल कंपस जो है, आपका जो एक एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ अलाइव यू आर, कि आप एक स्पॉन्टेनियस सिचुएशन को वैसे हैंडल कर सकते हैं जिस तरह से आपने किया, बहुत बखूबी किया। लेकिन आपकी मैं काफ़ी तारीफ कर रही हूँ, तो ये मत सोचना सब अच्छा अच्छा ही होगा। अरे बाप रे आपने लोगों पे काफ़ी अत्याचार भी किए हैं, हाँ? तो हमें इन्हें भी कुछ अत्याचार खेल खिलाना होगा। अरे नहीं नहीं, वो क्वीन, वो तो आपने ड्यूटी दी थी इसलिए। अत्याचार तो होकर ही रहेगा करण, थोड़ा सा तो बनता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जी, आप दोनों में से जो भी उस सवाल के जवाब के लिए बेस्ट सूटेबल हो आपको उसकी तरफ इशारा करना है। अच्छा करण आप इस तरफ आ जाइए और बहुत ईमानदारी से जवाब देना हा? जी। और इन, इन एक दूसरे की तरफ देखना नहीं है जवाब। अच्छा, नहीं देखना, ठीक है। ओके, सो टेल मी, आप दोनों में से ज्यादा पोजेसिव कौन है? ओके, शर्म कर ले थोड़ी सी। यू आर मोर पोजेसिव, वो किसी को दिखता नहीं है बट ही इज अ लॉट मोर पोजेसिव, ही इज वेरी स्मार्ट। क्वीन ये बहुत ज्यादा पोजेसिव है, ये दिखाता नहीं है, है ना? ठीक है, थैंक यू। यहाँ तो मतलब घर मेरी तो किश्ती ऐसी जगह डूबी है ना, पानी कम था। अच्छा, आप दोनों में से पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं no, वो तो करण ने कहा हुआ है, so I believe करण। आई आल्सो बोला उसने, हाँ बोलती है 100%। ओके, सो फर्स्ट करण। ओके फाइन, आई विल गिव दैट टू हिम। ओके, आप दोनों में से बेटर किसर कौन है? No, no, he's very good. You're very good. Sharma, you are honesty. ये lockup है. But we're both very good. But the first time, I think you were very good. Sorry. First time I nailed it. Yeah. Achha, fine. I mean, I think good. इसे मैंने decide कर लिया। Good. It's a great compliment. Thank you. हाँ? अगला सवाल। I hope mama is not watching. Mama, तुम्हें से मालूम है, तू tension मत ले। अच्छा, अगला सवाल है कि जब आप बात करते हैं, तो who's more loud? Oh, that I am. आपको तो माइक की जरूरत ही नहीं है, उनका ऐसे ही टेलीकास्ट चला जाता है। Yeah. Okay. अच्छा, दोनों में से किसे PDA करना ज्यादा पसंद है? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। वेरी गुड। मैं क्वीन बोलता हूँ कि जो भी करना है ठोक के करो, मत मत नहीं तो ना करो, सिंपल। अगर है तो है। तो अगला सवाल है जी, किसे टॉप पे रहना ज्यादा पसंद है? मैं गेम की बात कर रही हूँ। गेम में ना, वो और मैं गेम की बात नहीं कर रहा, गेम में ना। What is happening? Game में yes, always ladies on top, always ladies on top. Queen, I think आपने मतलब उस situation में मुझे खड़ा कर दिया है कि इस finale के बाद मेरे पास घर नहीं होगा जाने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि लड्डू कर मेरे लिए सेफ रहेगा कि मैं उसको उसके सेट पे भेज दूँ, क्योंकि उसे जाना होगा। No, we had lovely time. Thank और you. आप लोगों ने अपनी लाइफ के बारे में हमारे साथ आपके फैंस के साथ शेयर किया। We are thrilled. Thank you. To know and how much Karan loves you. And how committed you are to him. It's amazing to see. And I hope, jaisa maine kaha, ki it's for life. Yes. Yes. But I'd also like to thank everybody. I got a chance to be the warden. And I think I had a lot of fun. I think sare hi kaidi bahut sweet hai. Hamare top badass hai. Bahut badass hai. Bahut badass at the same time. Very nice. Very sweet bhi hai. I love what I see. I love the top five. I think aap sabhi bahut deserving hai. And I really hope and pray ki may the best man or the woman win. All the very best. I understand bahut dard ho raha hoga na abhi. Koi baat nahi, thode time mein ho jayega. Okay? All the very best. Thank you. Thank you. Thank you. Karan, I'm sure ki aap inko chhod ke aayenge. Ji. Main make sure karta hu ki ye ma'am chale jaye, kyunki agar isse zyada badass hogi to main kya karunga. Chaliye na. I'll just be back. Thank you so much. See you. Bye bye. Aap bahut support kar rahe the na tum log. Bye. Bye. लॉकअप में बहुत लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स खेले, लेकिन आप लोगों ने सबसे इंटरेस्टिंग गेम अभी तक खेला या नहीं? हेलो गाइस, चाबी मिली? कार्स जीते? मेटावर्स से जेल ब्रेक किया कि नहीं? दुनिया में पहली बार व्यूअर्स को मिला किसी रियलिटी शो में घर बैठे एंटर करने का मौका। ये था वर्ल्ड्स फर्स्ट फैंटेसी मेटावर्स गेम बेस्ड ऑन अ रियलिटी शो, और आप लोगों ने भी भर भर के इस मौके का फायदा उठाया। जैसे हमने कहा था, प्ले रियल, win real.
और रियल खेल के जिन 5 खिलाड़ियों ने कैश प्राइज जीते हैं वो हैं सागर राठौड़, प्रज्वल एमजी, अक्षय, दिव्या सेन और रितिका शर्मा। वक्त आ गया है मेरे जेलर के आखिरी अत्याचार का। करण इज गोइंग टू गिव मी माय टॉप 3 एंड आई विल बी बैक। तो लॉकअप सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आप हमारे टॉप 5 में हैं, एंड आप सभी को भी कंग्रेचुलेशंस क्योंकि यहाँ तक पहुँचना, इस मुकाम पर अपने लव्ड वंस के साथ बैठना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। तो जब मैं यहाँ पर क्वीन के साथ खड़ा हुआ था और मेरी क्वीन साथ में खड़ी हुई थी, यानी कि आपकी वार्डन, बहुत मजे आ रहे थे ना आप लोगों को, है ना? गलती हो गई, वो तो क्वीन थी, वार्डन थी, तो मैं थोड़ा अलग अंदाज में था। अब जेलर आ गया वापस, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ, बड़े मज़े किए ना आप लोगों ने जेल के अंदर, किए कि नहीं किए? बहुत सारी चोरियाँ भी की हैं, है ना? बहुत मज़े आ रहे थे ना मेरी बजाते हुए। चलिए मैं थोड़ी सी आपकी बजाता हूँ। कैन वी हैव द फैंटास्टिक विजुअल्स, हमारे कैदियों के प्यारे से विजुअल्स दिखाएं, जरा दिखाइए प्लीज। शेफ, चीनी का पैकेट गायब। ईमानदारी नाम की कोई चीज धरती पे रह ही नहीं गई है। चीनी छुपा रहे लोग, दूध छुपा रहे लोग, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ड्रायर उठाया था क्या? नहीं, आपने देखा बेंच पे ड्रायर पड़ा था? कौन ले गया होगा यहाँ पे? कौन है ले जाने वाला? गलत हो जा तू भी, आ जा करे गलती नहीं, डर के सही हुआ कहा कोई, डरते रहे पहले कहीं, आसमान टूटे ये जहां टूटे, आज तेज लगा है जल्दी बताओ। मेरे पर्सनल शूज जो आपने भिजवाए थे ब्लैक कलर के, वो मिसिंग है, यहाँ पे रखा था। लास्ट नाइट व्हेन यू केम बैक फ्रॉम द टास्क, आई टुक योर शूज एंड आई पुट इट अप देयर। हिंदी चोर। तो आप लोगों की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि सीजन 2 में हम आपकी यूनिफॉर्म्स में जेबें नहीं देंगे। Thank you for ruining it for the next seasons ke kaidis. Well done, well done. And this is not all. Abhi aap bahar jayenge, aapki sari choriyan kahan kahan par pahunchi hui hain aapko pata chal jayega. Maza aaya? Bahut maza aaya. Bahut. Nahi aaya? Chaliye. Kuch aur? Aap logo ko meri bajate hue bahut maza aa raha tha. To itni aasani se to chhodunga nahi. Correct? Hai na? Yeah, kya Poonam kya chori kari thi? Very nice. Chaliye hum aapko apne show ke bare mein batate hain. Pehle din se hum ye कह रहे हैं कि हमारा शो जो है वो बहुत अलग है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, जस्ट लाइक अ क्वीन। करेक्ट, हमारे शो में रियलिटी है, ऑनेस्टी है, हमारा शो रॉ है, अनसेंसर्ड है। हमारे शो में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो चीज़ें हम लोगों ने दिखाई हैं, वो अगर किसी और शो में होता तो वो शो शायद नहीं, कन्फर्म्ड है कि वो बंद हो गया होता, नौकरियां चली गई होती। वेल, हमने तो कभी झूठ नहीं कहा था, हमने तो कहा था कि हमारा शो जो है वो अडल्ट्स का शो है और यहाँ पर कुछ भी सेंसर नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी ऑडियंसिस को और हमारे कैदियों को दूसरा झटका देते हैं, वेयर वी आर गोना शो देम ऑल द स्टफ दैट देव डन ऑन दिस शो, जिसके लिए पेरेंट्स आप चाहें तो अपनी अपनी आँखें और अपने अपने कान बंद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बैड एस शो है हम तो दिखाएंगे। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? द प्राइस इट जस्ट लुक्स, सी मैंने भी पैडेड वाली नहीं, मैं पैडेड वाली बंद कर रही हूं। थैंक यू, मत कर, आई जस्ट फील बेटर विदाउट द ब्रा। देख एंजी, डोंट यू थिंक, सी सारा मुझे लेके जाए यहां से। अश्लीलों के अश्लील, वो करे तो अश्लील नहीं, हम करे तो अश्लील। Doing that?
You need somebody, you know, kissing you from your feet up your legs. We have different fetishes. I rather prefer going from up to down, 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 down. Okay, down to upper, upper region. For me, it's very simple. The way I used to release myself before and now are two different planets. Before, I used to like watching a lot of Indian porn, and that would do the job and finish it. सुना है तुम सोशल मीडिया पे छोटे छोटे वीडियोस बनाती हो 30 सेकंड वाले मुझे ट्राई करो मैं 30 मिनट्स तक लास्ट करता हूँ पूनम के बारे में एक्चुअली क्या हो रही है लड़कों को कैसे बोलोगी अली का मर्चेंट शिवम का शर्मा रहा है शिवम का शर्मा करण वीर का बोरा गया मुनव्वर की फरूकी प्रिंस का निरुला ऐसी बात मत करो मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ क्या सुन रहे हो बेशरम क्या बात है यू गाइस मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स कैसे लगे मेरे झटके चलिए अब अगले झटके की तरफ बढ़ते हैं बड़ा मजा आ रहा था ना आप लोगों को हाँ बस हो गया सच्ची अभी तो हम शुरू हुए हैं सिर्फ हाँ आपकी जुबान दुख रही है थोड़ी अच्छा 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 और मुनव्वर 30 मिनट हाँ अच्छा 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 ठीक है चलिए अब हम ग्रैंड फिनाले पे हैं लॉकअप के पहले सीजन के बहुत मजाक हो गया बहुत टांग खींच ली नाउ लेट्स गेट डाउन टू सीरियस बिजनेस अब हम वी हैड अ लॉट ऑफ फन बट क्योंकि ये लॉकअप के पहले सीजन का बैड एस फिनाले है नाउ इट्स टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस मुनव्वर अंजलि शिवम आजमा एंड पायल मुनव्वर हमारी जजमेंटल जनता ने आपको चुना आपको वोट्स दिए और आप जानते हैं कि आप एकदम आखिरी तक पहुंच चुके हैं अंजलि आपको कैदियों की तरफ से ये एक उपहार मिला है जहां पर आप टॉप 3 में अपनी जगह बना चुके हैं कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू शिवम आजमा एंड पायल आप तीनों में से अभी इसी वक्त कोई 2 कैदी यहीं से लॉकआउट हो जाएंगे और अपने एक्स कैदियों के साथ जाकर बैठ जाएंगे अब मैं एक पावर का इस्तेमाल करूंगा ये पावर मुझे दी गई है क्वीन की तरफ से और ये पावर या फिर जो ये क्वीन कार्ड है उसका मतलब ये है कि मैं एज ए जेलर पहली बार क्वीन जो पावर यूज कर सकती हैं एक्सरसाइज करती हैं उसे यूज करूंगा एंड आप में से किसी एक को चूज करूंगा और वो एक कैदी पहुंच जाएंगे टॉप 3 में और अपनी जगह बना लेंगे ऑलराइट शिवम आपने डे 1 से एक इंडिविजुअल गेम खेली यस सर बूमबाम बूमबाम सर थैंक यू सर आपने यहां पर सभी को हंसाया अपने दोस्तों को अपने दुश्मनों को कैदियों को क्वीन को जेलर को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी ऑडियंस को लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जर्नी इस जेल में बैड एस नहीं थी यू हैड अ बैड एस जर्नी एंड इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं थैंक यू सर मीन्स अ लॉट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज थैंक यू फॉर शिवम थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच आजमा
हम सब जानते हैं कि जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं द बेस्ट थिंग्स दे कम इन स्मॉल पैकेजेस. आई रिमेंबर एक चीज़ आज़मा के बारे में, जब आज़मा आई थी सबसे पहले तो जो चीज़ ट्रेंड हुई थी, जो हमें फीडबैक आया था वो ये था कि आज़मा ने आके बोरिंग कैदियों को भी इंटरेस्टिंग बना दिया, लिटरली उनका जीना हराम करके. दैट वाज बैडएस. यस सर. आज़मा हमारे सीजन में कभी किसी से डरी नहीं है. इतनी सी होने के बावजूद आज़मा ने हमेशा वो किया जो आज़मा के दिल में आया, हमेशा वो कहा जो उसे कहना था. गॉट टू गिव दिस टू यू आज़मा. थैंक यू सर. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. यस वो तो मैं हूँ. लॉकअप के पहले सीजन की पापी गुड़िया के लिए जोरदार तालियां. पायल जी, आई एम सॉरी, लेट मी रीइटरेट दिस. ओ माय गॉड पायल जी. जेलर साहब, जेलर की जर्नी का पहला दिन और मेरे सामने पायल रोहतगी, बैडएस. मेरी इस जर्नी की पहली तूतू मैमें जो हुई थी वो पायल के साथ हुई थी. एंड इनफैक्ट आपकी आई थिंक इस पूरे जेल में सब कैदियों की जर्नी आप ही की तूतू मैमें से शुरू हुई है, तो हम आपको तूतू मैमें का अवार्ड तो दे ही सकते हैं. पायल, मेरे हिसाब से लॉकअप सीजन 1 में आपकी जो पर्सनालिटी है और जो आपका एक कैरेक्टर ग्राफ है वो सबसे खूबसूरत रहा है. थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर यानी कि जेल में ज़्यादा कैदी आपको पसंद नहीं करता, बट जैसा कि मैंने उस दिन डिनर टेबल पे कहा था प्रिंस, कि इनके बिना रह भी नहीं सकते. जब तक पायल नहीं आएगी तो हजम थोड़ी होगा कुछ. पायल हमारी वो वॉरियर हैं जिन्होंने डे 1 से सबसे अकेले लड़ाई की और सरवाइव भी किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. थैंक यू पायल का नेवर गिव अप एटीट्यूड, पायल की आर्ग्यूमेंट्स और पायल की चीखते ही चिल्लाती हुई आवाज. संग्राम भाई, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पायल एंड एट द सेम टाइम संग्राम पाजी. नाउ फॉर द टफ बिट. अब मैं आपके पास आऊंगा और किसी एक कैदी को वहां से यहां लेके आऊंगा. लेट्स डू दिस. तो अब जिस कैदी का मैं हाथ पकड़कर वहां लेके जाऊंगा वो कैदी टॉप 3 की रेस में से अभी इसी वक्त बाहर हो जाएंगे. दैट मींस बैडएस फिनाले में से लॉकआउट. जल्दी जल्दी. हाँ जी हाँ जी. कम. शुक्र है. आज़मा. यस. आई मस्ट से कि आप बहुत लोगों की फेवरेट हैं, बट लॉकअप के बैडएस फिनाले में आपका सफर यहीं तक था और आप सबको कांटे की टक्कर देते हुए छोटा पैकेट बड़ा धमाका. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आज़मा.
पायल एंड शिवम आ जाइए, आप में से एक मेरे लेफ्ट में और एक मेरे राइट में। लेट मी रिएटरेट दिस फैक्ट कि शिवम और पायल में से सिर्फ कोई एक वहां टॉप थ्री में जाकर बैठेगा और लॉकअप सीजन वन के बैडएस फिनाले की रेस में आगे जाएगा। इंडिया की जनता को मिलेंगे उनके टॉप थ्री फाइनलिस्ट्स। ये जो क्वींस कार्ड मेरे हाथ में दिया गया है, ये स्पेशल पावर, इट हैज टू बी टेकन वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। लॉकअप के पहले सीजन को सुपर हिट बनाया गया है, हमें बहुत प्यार मिला है, हमने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और ये सारी चीज़ें, ये जितना कुछ भी हुआ है, ये उन ऑडियंसेस के हाथों हुआ है जिन्होंने डे वन से हमारे शो को देखा है और उसे टॉप पे पहुंचाया है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज इन द फर्स्ट सीजन ऑफ इट्स रनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स लॉकअप सीजन वन फॉर यू, दैट्स हाउ बैडएस इट इज। अब जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, इसमें हमने पब्लिक के ओपिनियन को भी सराहा है, शिवम और पायल की जर्नीज को भी। आप लोगों की जर्नी हम लोगों ने महसूस की है, आप लोगों की जर्नी हम लोगों ने आपके साथ बिताई है, आप लोगों पे बहुत प्यार भी आया है और बहुत गुस्सा भी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बहुत प्राउड हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहां से आगे पायल और शिवम में से सिर्फ कोई एक जाएगा। Yes. Congratulations. Top three. ऑलराइट, लॉकअप सीजन वन के टॉप थ्री फाइनलिस्ट्स मुन्नवर, अंजलि एंड पायल, कंग्रेचुलेशंस। पायल, कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बट अभी रेस बाकी है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द रेस, बिकॉज I always believe, till it doesn't happen, you work hard for it. So thank you for giving me the opportunity, abhi bhi race mein kayam rehne ke liye. And I am hoping for the best. But thank you so much, Jailer Saab. Shivam, bura laga? Wohi wohi jo Ram Rachi Rakha. Main bas ek hi baat kehna chahta hoon. Yes, sir. Yahan ke aage, यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप क्या करते हो वो ज़रूरी है जी। इस प्लेटफॉर्म को, इस पॉपुलैरिटी को जी, जितनी शिद्दत से आप लोगों को
प्यार मिल रहा है उसको आप कहाँ लेके जाते हो वो ज़रूरी है। जी सर। 2 महीने हुए हैं और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। डू नॉट टेक दिस टू योर हार्ट, मेक दिस इनटू योर स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाट आई फकिंग डिड। डन सर। आई विल गाइड यू, आई विल बी विद यू एज अ ब्रदर, वेर एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट। क्या बोलता प्रिंस? डोंट वरी। थैंक यू सर। And I fucking promise you that. All right. So हमारे पास लॉकअप सीजन 1 के बैडास फिनाले के टॉप 3 कैदीज आ चुके हैं। Congratulations एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी फॉरवर्ड। लेकिन मैं ये बता दूं कि लॉकअप सीजन 1 का विनर ना सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट करेगा, उसे ट्रॉफी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में मिलेगी मारुति सुजुकी की द नेक्स्ट जेन अर्टिगा का ब्रिंग बैक टुगेदर, और मिलेगा एक स्पेशल हैम्पर। नॉट जस्ट दैट, 20 लाख रुपए प्राइस मनी, और सिर्फ उतना ही नहीं, लॉकअप सीजन 1 के विनर को इटली के एक फुली पेड ट्रिप पर भेजा जाएगा, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली Completely sponsored. आपको कुछ नहीं करना है। क्या बात है, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, अर्टिगा मिल रही है, इटली जाने का मौका मिल रहा है, पासपोर्ट तो है ना, है? थोड़ा जल रहे है ना, होता है होता है। So now I would like to call the Consul General of Italy to India, Mr. Alessandro Di Massi. Good evening, Karan. Good evening. Hello, sir. So, thank you so much for being here, sir. Thank you so much to you. Ab, Mr. Alessandro, now that you're here, hum aapko dikhana chahte hain कि इन्होंने हमारे लिए, यानी कि हमारे विनर के लिए क्या सौगात तैयार की है। तो चलिए इटली टूरिज्म की तरफ से जो वीडियो आई है वो हमारे टॉप 3 कैदियों को दिखाते हैं। वाओ, यू नो व्हाट वी डिड अ फ्यू डेज अगो व्हेन द वार्डन हैड कम, जब वार्डन आई थी तो हमने आप लोगों को हमारे स्पेशल शेफ के हाथों, शेफ देवेंद्र के हाथों आपको इटालियन खाना खिलाया था। क्या लगता है क्यों खिलाया था आपको, ये दिन दिखाने के लिए? बाय द वे, यू लुकिंग वेरी हैंडसम सर। थैंक यू सो, यू टू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो, एनीथिंग फॉर द जेलर, लाइक आई लव इटली, आई बट आई ओनली गेट इटली, यू नो, सो आई एम सेइंग दैट इफ यू नथिंग फॉर मी। Well, it depends on how you want to establish the future days of your life. If you want to have experienced the best possible way of living, then you have to come with me to Italy. But this is up to you. You promised me you'll take me to Capri. Absolutely. To Capri. Capri is only one of the gems we have in Italy. There are so many more. So I would like to take you in other gems more than Capri. Capri is well known. Sure. Let's go elsewhere. That's a promise. Absolutely. Total promise. Thank you so much for joining us today. Especially for our grand finale, our badass finale. This, what you're giving to our winner, is truly appreciated. And of course, I am coming with you to Italy. Absolutely. You've given me that promise. So a big round of applause for Mr. Alessandro. Thank you, sir. Thank you so much. Let me just tell you a few words, if I can. Of course you can. When we learned about this incredible show, we thought that there couldn't have been a better option for you guys after 72 days in here to see a bright of life rather than going to Italy. So we are very, very honored and proud to have given you that possibility. I don't know who of you will be able to go, of course, but whoever will win will experience the best experience of its own life. And we are very proud that this will happen in Italy, one of the most beautiful countries in the world, after India, of course. And let me tell you, and I would like you to tell it with me, that Italy is simply extraordinary. Please, say it after me. So, all right, 1, 2, 3. Italy is simply extraordinary. Be it. Thank you so much, guys, and good luck. Thank you so much. Grazie mille. Thank you so much. Grazie mille. I'm coming with the winner, I'm coming.
Absolutely. And my girlfriend. And whoever you want, no problem. Yeah, yeah. I'll be hosting you. No, they don't have passports. I'll manage. I'll give you a passport, Italian passport, okay? So it's even easier for you. Don't even need a visa to go. Perfect. Okay? Fantastic. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Grazie. So, in life, people have two people the most. सबसे खास दोस्त या सबसे खास दुश्मनी. और लॉकअप के सीजन वन की सबसे खास दुश्मनी किसकी थी? नो मार्क्स फॉर गैसिंग. ये एक दूसरे से कितना ही लड़ लें, कितना ही नफरत कर लें, पर एक दूसरे की स्टोरी को बाहर निकालने के लिए भी इन्हें एक दूसरे की ही जरूरत पड़ी. Let's welcome the two opposites of our show, Payal and Munawwar. Queen, India ko lockup season 1 ke badass finale ke top 3 कैदीज मिल चुके हैं. एंड नाउ इट्स ओवर टू यू. थैंक यू करण. मेरे शो का विनर वो नहीं बनेगा जो हमेशा से सेफ खेलता आया है. सेफ खेलने के लिए बहुत रियलिटी शोज हैं, वहां जीत लीजिए क्योंकि यहां नहीं जीत पाओगे. विनर वही होगा हु इज हिज और हर ओन हीरो. यहां ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का घूंघट डाल के बैठ जाएं और हम आपको जीत का टीका लगा दें. और ये किसी के चाचा के बेटे की शादी भी नहीं है जो यहाँ पे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. यहाँ ना फेक नैरेटिव्स चलते हैं और ना ही फेक पर्सनालिटीज. ये सिर्फ नाम का रियलिटी शो नहीं है, ये काम का रियलिटी शो है. लॉकअप इंडिया का सबसे रियल ऑथेंटिक रियलिटी शो है. तो यहाँ का विनर भी रियल और बैडएस ही होगा जो खुद को एक्सेप्ट करे एज इट इज, और उसी को तो कहते हैं बैडएस. मेरे लॉकअप का विनर वही बनेगा जिसकी सोच हो दुनिया जाए भाड़ में, मुझे है सिर्फ जीतना. जनता ने अपना फैसला दे दिया, कैदियों ने भी अपना फैसला दे दिया. अब इसके बाद जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगी. आज के इस बैडएस फिनाले में होगी लॉकअप के विनर की रिहाई. 20 कैदियों में से सिर्फ आप 3 यहां तक पहुंचे हैं. जी मैम. एंड आई मस्ट से it's well deserved. Thank you ma'am. Aapka har ek move, aapki har ek game, har sahi galat ki parakh aaj aapko yahan tak lekar aayi hai. Thank you. Lockup season 1 ka winner is just a step away now. Lockup ke winner tak pahunchne ke liye top 3 mein se main choose karungi top 2. और जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेरा विनर वो होगा हु इज हिज और हर ओन हीरो. तो अंजलि. यस मैम. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. यस. आप मुझे बताइए, आर यू योर ओन हीरो? यस. अंजलि, जहां तक मैंने आपकी गेम देखी है जी मैम, और आपको थ्रू आउट देखा है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक सूरज होता है और एक चांद होता है, सूरज की अपनी रोशनी होती है और चांद जो है सूरज से रोशनी लेता है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती. तो आप बहुत यंग है, आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर यू बिकम योर ओन हीरो. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं है. आप तीनों में से मुझे इस वक्त किस को ड्रॉप करना है, क्योंकि सब ने आपकी गेम देखी है और मैंने भी देखी है. आप कई जगहों पर, आपकी तारीफ में मैंने काफ़ी कुछ कहा है, आप बहुत आगे आई हैं. ऑनेस्टली आई फील कि यू आर द डार्क हॉर्स ऑफ द गेम. जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मुझे भी नहीं लगा था आप इतनी दूर आएंगी, और अपनी हिम्मत से और अपनी अकल से आप इतनी दूर आई हैं. लेकिन आई मस्ट से कि यू आर नॉट योर ओन हीरो येट. आप किसी के हाथों में कभी पपिट बनी तो किसी का सहारा लेकर आगे आई, तो किसी की गेम में आपने किसी को हेल्प किया
और उसी तरह से आपने कई बार बहुतों की हेल्प भी ली जी. तो अंजलि, यू कैन टेक योर सीट. थैंक यू मैम. अभी तक मैं अपनी हीरो नहीं हूँ ऐसा आपको लगता है, बट आई विल बी. और मैं प्राउड हूँ बहुत कि मैं यहाँ तक आई आज, और मेरी मम्मा यहाँ पर है. आई एम रियली प्राउड और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आई. थैंक यू. नाउ वी हैव आवर टू टॉप फाइनलिस्ट्स. कंग्रेचुलेशंस. पायल, मुनव्वर, प्लीज कम. एक इस तरफ आ जाइए, एक इस तरफ. ये दो हैं हमारे लॉकअप सीजन वन के फाइनलिस्ट्स, पायल एंड मुनव्वर. एंड आई मस्ट से कि आई एक्सपेक्टेड यू बोथ टू बी द फाइनलिस्ट. सो मच. और मुझे ये कहीं शो के बीच में यकीन हो गया था कि इन दोनों के ही बीच में टक्कर है और इन दोनों की ही कांटे की टक्कर है, और वही हुआ. ये दोनों अपने दम पे यहाँ तक आए क्योंकि इन दोनों ने ही इस गेम के दौरान सिर्फ और सिर्फ जीत पर ही अपनी नज़र गड़ाई रखी, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ लॉकअप की ट्रॉफी पे. और आज अपनी उसी मेहनत, अपने उसी विजन और फोकस के करके ये दोनों यहाँ पे हैं. मुनव्वर, आप जब आए थे लॉकअप में तो आपके कितने फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे? 8-9 लाख अराउंड. आपके अराउंड 8-9 लाख फॉलोअर्स थे. इस टाइम पे अगर आप अपना देखेंगे तो आपके अराउंड 23-24 लाख फॉलोअर्स हैं. सो इन्होंने दुगने से भी ज़्यादा जो है इनकी फॉलोइंग बढ़ी है. इनके पीछे से इन सिर्फ 10 हफ्तों में जितना लोग आपको चाहने लगे हैं, जितना आपको सराहने लगे हैं. आई मस्ट से कि जब आप आए थे तो आपको बहुत कम लोग जानते थे, और जो भी जानते थे शायद आपसे नफरत ज़्यादा करते थे, और कम बहुत कुछ लोग आपको पसंद करते होंगे जो कि आपको बहुत नज़दीक से जानते होंगे. लेकिन आज आई कैन से दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जिस तरह से मुनव्वर ने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया है, आज अधिकतर लोग मुनव्वर से प्यार करते हैं. और जो नहीं भी जानते वो शायद उनसे उनके सक्सेस को लेकर जेलस करेंगे, लेकिन नफरत कोई नहीं करेगा. ही हैज़ कम्प्लीटली मेड यूज़ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के वो आगे आए हैं. मुनव्वर, फॉर मी, हाउ आई सी यू, फॉर मी यू आर ऑब्वियसली, यू आर वेरी श्रूड, यू आर मैनिपुलेटिव, यू आर मोर ऑफ अ पर्सन हु यूजेस हिज माइंड. लेकिन आपकी सबसे बेहतरीन बात ये है द वे यू यूज योर इमोशंस. देखिए, हमने मुनव्वर की कहानी जानी है, इनको बहुत नज़दीक से जानने का हमें मौका मिला है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को ज़िंदगी में बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट मिलते हैं, इमोशनली जो बहुत हर्ट होते हैं, वो अक्सर अपने आप को इमोशनली नम कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है. बहुत कुछ लोग, बहुत ही कुछ स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इमोशनली नम नहीं करते हैं, वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और बढ़ा लेते हैं. और मुनव्वर, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ योर सुपर पावर. थैंक यू सो मच. द वे यू यूज़ योर इमोशन स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट, और जिस तरह से आप सिचुएशन को का सामना करते हैं अपने इमोशन से, इट इज़ योर सुपर पावर. थैंक यू. पायल, जब आप इस शो में आई थी तो मैंने आपको कहा था कि आप पैरासाइट हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू से दैट कि आपने ये इस बात को प्रूव किया है. जैसे मैंने आपको कहा, ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है. आज सारी दुनिया ये कह रही है कि पायल का नाम यूज़ करके कितना कैदी जो हैं वो अपनी गेम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. पायल पे पैरासाइट की तरह जो है उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को, उसके करेज को, उसके मुद्दों को यूज़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं. सो यू आर नॉट अ पैरासाइट, यू हैव योर ओन लाइट, यू नेवर बोरो
anybody's light. Or I must say one thing that is the most striking about you. Is Payal, ki you are really brave. Thank you. Payal kabhi nahi dekhti hai ki uske aage kitne log hain. Aur kya hai unke aage. Wo sirf ye dekhti hai ki mujhe bas bhid jana hai. To ye, you are really a brave heart, Payal. To ab hamare paas do log hain. कुछ ही पलों में आपको पता चलेगा कि लॉकअप सीजन वन का विनर कौन होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी लॉकअप सीजन वन के लिए इजी नहीं था एज अ डेब्यू शो टू बिकम द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल शो और कैसे लॉकअप ने अपनी जर्नी तय की टू द टॉप मोस्ट स्पॉट हैव अ लुक के बगैर तो इन गुनेगारों के गुनाह कैसे माफ होंगे मेरी रजा के बगैर भाई और बहनों आज आपका फिर से स्वागत है ये छल कपट और दगाबाजी के खेल जिसका नाम है लॉकअप ये संडास यस इंडियन है दोनों It's so unfair this whole thing. मुझे यहाँ पे बहुत suffocation हो रही थी. Blanket का fabric बहुत गंदा है. पानी नहीं है. Shampoo नहीं दे रहे, conditioner नहीं दे रहे. हमें गंदा toilet use करना पड़ रहा है किसी की भी shit के साथ लगा हुआ. Fake jail में fake nonsense मत कर. मैं jungle में नहीं हूँ. अगर आज हमें गर्म पानी नहीं मिला तो हम हड़ताल पे भूखे रहेंगे. संडास लेके लगा रही हूँ ऐसे लगना चाहिए खाने पीने पे आएंगे ना उनकी औकात दिखाऊंगी मैं दूध मांग रही हूँ यार क्या प्रॉब्लम है खाना नहीं मांग रही उन लोगों चाय पिज्जा नहीं मांग रही हूँ तीन दूध के कार्टन नहीं दे सकते ऐसा शो करना है तो मुझे मत रखो ये बोल के यार नहीं लाया था मुझे मैं खुश थी बाहर मैं हमेशा क्यों आप ये जो कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हैं आप अंडा भेज सकते हो दूध भी भेजो आप अगर बेसिक नहीं रहोगे तो हम आपके रूल्स नहीं मानेंगे हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो क्योंकि कैदी भी कभी हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो ये कंगना का जेल है और यहाँ का जेलर मैं इट इज नॉट गोइंग टू गेट इजियर ये एक जेल है गार्ड्स की जगह पर आपके लिए स्पॉट बॉयज रख सकते हैं क्योंकि आप सबको आदत हो गई आई एम श्योर मैं लॉकअप को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि ईमानदारी से सभी नियमों का पालन करूंगा हर काम को प्रणाम करूंगा हर फर्ज को सम्मान करूंगा जय हो कैदियों आज का शारीरिक श्रम है जेल की चक्की पीसना आज का शारीरिक श्रम है 150 पापड़ बनाए कम ऑन ग्रेट जॉब मजा आने वाला है लॉक को मिलती है रसोई मशीन चलाना नहीं आता तो इसका करियर ओवर हो गया जेल के सभी एरिया को साफ करना है सफाई 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 लेकिन काले दिल की नो सफाई तो शुरू करते हैं अत्याचारी खेल को खेल का नाम है अक्ल बड़ी या भैंस देना अभी उल्टा जवाब देना बैठ जाओ तो मैं कैसे सोच करूं अरे तू कर ना वो कैमरा से सब दिख रहा है अच्छा रुक जा फिर एक सेकंड रुक Come on, Jaisa!
टर्बो कार्स का। हाँ चल। वुमन कार्ड क्या होता है? राशन कार्ड के साथ मिलता है क्या? शेलिंग कराना पड़ता है। अरे यार मेरे को तंग मत कर यार, सीरियसली मना कर, प्लीज यू फाइंड समबडी एल्स मैन। आई एम गिविंग यू द बेस्ट चॉकलेट एवर। डू यू वांट टू सी हाउ लॉन्ग माय टंग इज? मेरे दुश्मनों के रात के ख्यालों में मैं हूँ और सुबह की पहली चाय के प्यालों में मैं हूँ और इस साल लॉकअप सीजन 1 का थैनोस भी मैं हूँ और आयरन मैन भी मैं हूँ। क्या बात है, दोनों मर जाते। ऐसे भी ये टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते। सताराज मुनावर, यहाँ झोलघर में आपने चिट्ठी और अपनी बहन के हाथ का खाना चूज किया और इसके बदले में आप किसी एक कैदी को चार्जशीट में डाल रहे हैं। उस कैदी का नाम किल। व्हाट अ गाय मैन, मेरे से खरीद के मुझे को बेचे। ये जो भाई भाई तू बोल के कर रहा है ना भाई, इट इज फक्ड अप। ही बाइट मी। तेरी 100 शब्द देख ली, 5000 रुपए। चल व्हाट डू यू मीन बाय 5000? 5000 में रशिया कौन है? अगर ये पर्सनल जाएगी इसका पूरा खानदान उखाड़ के ले आऊंगी। मुझे कुछ लोगों का घमंड तोड़ना और एक इंसान को मिलेगी सजाए काला पानी। Hey, there are two people sitting there. Kya bolti lockup season 1 ki tada pavle? अत्याचारी जेल है, यहाँ पे परेशान तो इन्होंने करने की पूरे ठेके ले रखे। मैं गलत तरफ जाती ना, तो यू डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी। यू वांट मी टू बी पॉजिटिव विद यू? Someone has put a bottle of water in my entire blanket. तुमने देखा है? Directly she went my bed. तुम मुझे क्या attack करोगे? Let it go. You fuck. I'm not gonna do your RT. I'm gonna blow it double on your face. मुझे हंसी आ रही है ये सब drama देखके। कुछ तो तू भी कह दे। खामोशी तेरी आती है तूफान लेके, रातें कटती नहीं दिल भी इम्तिहान लेते। ये मेरे हाल दिल की तुझे जिम्मेदार कहते, जलते आशिक तब जाके बनता है काजल तेरा। माता तू मेरा कप तोड़ के दिखा। टेल हर टू स्टॉप इट। He's put it down. She put it down. माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या कुछ? हाँ उनको तो तूने छोड़ दिया ना बचपन में। अभी डैड और मॉम के बाद बात कर। Next time you talk about my mom and dad, your face is gonna get pricked. You clowned on my shoulder. I never did. अरे चुप रहो बे, ऐसे भी तो मैं नहीं उठा। कहाँ तुम रहो? पीछे हो, पीछे हो। चाचा मत कर दे, तेरे मुंह पे घुसन मारूंगा मैं। पानी फेंक रही है चीजों पे, पागल है ये। Does my medicine work? She's a fucking junkie. कुछ नहीं कर सकते तुम टीम के लिए, बर्बाद करना आता तुम्हें सब कुछ। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन पसंद बहुत कम होता है। बैड एस होना बहुत जरूरी है बट लाइकेबल होना भी जरूरी है। आप कौन होते हो? अबे चुप। ये वापस मेरी गर्लफ्रेंड पे गई, को समझाओ। हाउ डिड शी थ्रो माय ट्रॉफी? गर्लफ्रेंड ने जाना नहीं मेरी, फील्ड से फाड़ दूंगा। यू ट्रीट अ वुमन लाइक दिस? यहाँ होता ना तेरी टांगे तोड़ देता मैं। आई डोंट नो गिव अ शिट। विशान, आई एम लॉकिंग यू आउट राइट नाउ। आई एम नॉट थ्रोइंग इट। आई वांट माय स्टफ। स्टॉप।
देखा कि लॉकअप का सीजन वन कैसे एक रोलर कॉस्टर राइड था। इसमें इमोशंस थे, हर किसी की स्टोरी थी, हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट था। एक फिल्म में भी सिर्फ एक प्रोटैगनिस्ट होता है, लेकिन लॉकअप की इस कहानी में कई प्रोटैगनिस्ट थे। लेकिन कोई भी पिक्चर तब खत्म होती है जब उसका क्लाइमैक्स लार्जर देन लाइफ हो, एंड इट्स टाइम फॉर लॉकअप्स क्लाइमैक्स। गार्ड्स, कौन होगा लॉकअप सीजन वन के बैडएस फिनाले का विनर? आज आपके सामने लॉकअप सीजन वन के विनर का जेल ब्रेक होगा, यानी कि रिहाई। इन दोनों जेल में से सिर्फ एक जेल का दरवाजा खुलेगा, और जिसके जेल का दरवाजा खुलेगा वो होगा लॉकअप सीजन वन का विनर। एक तरफ आपके पास है इमोशंस और दूसरी तरफ है करेज। इन दोनों में से बैडएस फिनाले में मैंने किसे दी है बेल? 70 दिन जेल में रहने के बाद कौन बनेगा लॉकअप सीजन वन का विनर? लॉकअप के 20 बैडएस कैदियों में से कौन होगा सबसे ज्यादा बैडएस और जीतेगा लॉकअप की पहली ट्रॉफी? सो द विनर ऑफ लॉकअप सीजन वन is should we do a countdown? Yes. So the winner is 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Come, Munawwar. Munawwar Farooqi. Lockup season one ka badass winner is Munawwar Farooqi. Congratulations, Munawwar. Thank you so much. Thank you. Guards. देखिए, दिस इज वेरी सिंबॉलिक ट्रॉफी, वो जो इज बियॉन्ड द केज, इज बियॉन्ड द प्रिजन, और ये है वो विजेता जो डिजर्व करता है लॉकअप सीजन वन की ट्रॉफी राइटफुली। आपको मिलती है मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जेन आर्टिका कार, ब्रिंग बैक टुगेदर की चाबी, उसी के साथ 20 लाख का प्राइज मनी। मैं मिस्टर डिमासी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जो आपको इटली की फुली पेड ट्रिप देंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, एक स्पेशल हैम्पर। To Italy and congratulations. Thank you so much, sir. You're welcome. So much. Thank you. Congratulations. Yes, thank you.
27 फरवरी और 7 मई टू इंपॉर्टेंट डेट्स। 27 फेब को एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 7 मई को वो रेवोल्यूशन खत्म नहीं हो रहा है। 7 मई से ये रेवोल्यूशन और आगे बढ़ेगा। आगे आने वाले कई सालों तक लॉकअप लोगों को एंटरटेन करेगा, उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनेगा और लोगों को एग्जेम्पलरी टैलेंट एंड विनर्स देगा। हम वापस आएंगे कुछ और कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज के साथ इन दिस बैडेस जेल विथ इवन मोर अत्याचारी खेल। मुनव्वर, मैं जितना ही थैंक यू बोले कम ही है, पहले दिन से बोलते आए सबका। थैंक यू सो मच ऑल्ट बालाजी, थैंक यू सो मच लॉकअप, थैंक यू सो मच जो भी लोग हैं, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे प्रोफेशनल इंसान के साथ आज तक मैंने काम नहीं किया है, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि जब मैंने किसी पहली बार किसी बड़े स्टार के साथ काम किया और वो ऐसे प्रोफेशनल के साथ काम किया। आई एम वेरी हैप्पी। मुनव्वर, वी स्टैंड फॉर अ काइंड ऑफ पावर इक्वेशन इन द इंडस्ट्री वेयर वी आई डोंट वॉन्ट पीपल लाइक यू कमिंग अप टू बी बुलीड, जिस तरह से मुझे बुली किया गया था, एंड आई स्टैंड अगेंस्ट दैट एंड आई होप आई ऑलवेज रिमेन लाइक दिस एंड आई होप I wish you all the very best. You are the deserving winner and there is nobody who has played this game with all his heart and mind like you. Thank you so much. To audience ka to shukriya main puri zindagi karunga. Itna entertainment dunga. Lekin ye bolna chahunga ki main hamesha bolta tha ki apni jo kahani sunane layak hai but main sunane layak nahi hu. Abhi na main ek CD pe chadha hu. तो अगर सुनाऊंगा ना तो पूरा फ्लोर सुनेगा, जिस दिन छज्जे पे चढ़ूंगा ना उस दिन पूरे मोहल्ले को सुनाऊंगा। तो आज मेरे को लगता है छज्जे पे चढ़ गया और अपन अलग बजना शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें करूंगा लेकिन अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, दो रात से सोया नहीं हूँ, एक्साइटमेंट नर्वस हर फील कर लिया, पता भी नहीं था बदन के ये सारे हिस्से हिलते भी है, वो सारे हिस्से हिल रहे लास्ट दो दिन से। और बस जाते जाते जाने से पहले एक चार लाइन आखिरी कहूँगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था, वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। Lock up the most successful show ever. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, don't be good, be badass. लॉकअप की जर्नी तो काफी मजेदार रही, लेकिन अब इस नई गाड़ी में मैं और एक जर्नी पे निकल रहा हूँ।